अब बताइए महादेव, कैसे बचेंगे इस पाश से? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई पाश है जो मुझे बांधने में सक्षम है, वो है प्रेम, भक्ति और आस्था का पाश, और आस्था का पाश, और आस्था का पाश। वक्रासुर, अब भी समय है, धर्म का मार्ग प्रशस्त कर लो। काल को शब्दों के जाल में भटका रहे हैं महाकाल, किंतु मैं इतना भी मूर्ख नहीं। अपने इस वरदान का प्रयोग मैं आप ही के ऊपर करूंगा। आपके सर पर हाथ रखकर आपको भस्म कर दूंगा, आपको भस्म कर दूंगा, आपको भस्म कर दूंगा। और आपकी अर्धांगिनी को अपनी संगिनी बनाऊंगा। शक्ति के मद में पथ से मत भटको वक्रासुर। इस आराध्य की इतने वर्षों तक तपस्या की, आज उसी आराध्य को मारकर उसी की पत्नी से विवाह रचना चाहते हो। आराध्य की पत्नी मां तुल्य होती है। मेरा कर्तव्य तुम्हें समझाना था, अधर्म के मार्ग से विमुख करना था। मैं अपना पद चुन चुका हूं महादेव, और वो आपके सर्वनाश से होकर जाता है, आपके सर्वनाश से होकर जाता है, आपके सर्वनाश से होकर जाता है। हाँ, आप पार्वती की चिंता मत कीजिए, आपके जाने के पश्चात मैं ध्यान रखूंगा उसका। बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहे हो वक्रासुर। शक्ति के आ जाने से किसी भी लक्ष्य को साधने की सोच अनुचित है। शक्ति का प्रयोग संसार के उद्धार के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। जीवन का हर निर्णय विवेक से लेना चाहिए। सदैव स्वयं से पूछना चाहिए कि जो पथ आपने चुना है उचित है या नहीं, न्याय और धर्म संगत है या नहीं, क्योंकि जो भी अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ, अहम और अहंकार सिद्ध करने के लिए करता है, वो एक दिन उसी शक्ति में भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। महादेव, ऐसी बातें केवल वो करते हैं जिनकी शक्तियां सीमित होती है, किंतु मेरी शक्तियां तो परंपार है, और साक्षात महादेव को मारकर मैं इस तथ्य को भी सिद्ध कर दूंगा।
माता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होने वाला है मेरे परम शत्रु महादेव। शुंभ निशुंभ के षड्यंत्र में फंस गए। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे हाथ महादेव के वध से वंचित रह गए, किंतु कोई बात नहीं, मेरा स्वप्न पूर्ण करो वक्रासुर, फिर देखना मैं तुम्हारा कितना भव्य सम्मान करता हूं। महादेव आत्मरक्षा के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस प्रकार अड़िग खड़े हैं वक्रासुर के सामने? वक्रासुर को शक्ति दो ताकि उसका कद बड़ा हो सके और वो महादेव के सर पर अपना हाथ रख सके और उन्हें मार सके। हाँ शुम निशुम, अपना बल दो वक्रासुर को। राहु की बुद्धि से तुम्हें भली भांति ज्ञात है, किंतु आप असुर साम्राज्य के राजा असुर राज शंखचूर, आपकी बौद्धिक क्षमता को क्या हो गया है? आपके विचारों से, आपके निर्णयों से समस्त असुर साम्राज्य का भविष्य और वर्तमान निश्चित होता है। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि शुंभ और निशुंभ यदि साक्षात महादेव के समक्ष गए तो उन दोनों भाइयों का अंत आज अटल है। आज उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, सर्वप्रथम अंत उन्हीं का होगा। जब वक्रासुर महादेव के प्राण छोड़ेगा ही नहीं तो भला महादेव किसी पे प्रहार कैसे करेंगे? गुरुदेव चुप, निशुंभ,
वक्रासुर की सहायता करो। नहीं शुम निशुम, इसी क्षण लौट आओ, इसी क्षण लौट आओ। असुरराज, हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम तीनों भाई युद्ध नहीं करेंगे। असुरराज, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। महादेव, यदि आप ऐसी लीलाएं रचेंगे तो क्या मोल रह जाएगा मेरे वरदान का? यदि मैं आपके सिर पर हाथ ही नहीं रख पाया तो मैं आप पर विजय कैसे पाऊंगा? शिव पर विजय पाना तो संसार का सबसे सरल कार्य है वक्रासुर। क्योंकि मुझे यदि मंशा है केवल प्रेम की, आस्था की, भक्ति की। अपनी बातों से मेरे प्रश्न को मत टालिए महादेव। मैंने इतना कठोर तप किया है आपका, और उसके बदले जो मुझे मिला मैं उसका प्रयोग भी नहीं कर पाया। बताइए महादेव, मैं कैसे हराऊं आपको? उत्तर दीजिए मुझे। फिर एक चुनौती रखते हैं, फिर एक चुनौती रखते हैं, फिर एक चुनौती रखते हैं। तुम नृत्य कला में निपुण हो, मैं और तुम नृत्य करेंगे। यदि मैं हार गया तो तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, और तुम मेरे सर पर हाथ रख देना, तुम मेरे सर पर हाथ रख देना, तुम मेरे सर पर हाथ रख देना। मगर ये चुनौती क्यों? क्योंकि किसी को परास्त करके ही कोई किसी से अपने मन की कर सकता है। नृत्य प्रतियोगिता इसलिए कहा क्योंकि तुम मुझसे युद्ध नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि ये संपूर्ण संसार कहे कि शिव ने अपने ही भक्त को युद्ध में हरा दिया। अब तुम्हारी इच्छा, नृत्य या युद्ध। नृत्य में तो मैं निपुण हूं, मुझे तो वरदान मिला है कि नृत्य में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। महादेव अवश्य हारेंगे मुझसे नृत्य में। उचित है महादेव, मैं नृत्य करूंगा, मैं नृत्य कला में निपुण हूं, मुझे मेरे गुरु का वरदान प्राप्त है, मुझे नृत्य में कोई भी नहीं हरा सकता। स्वयं नटराज भी नहीं, स्वयं नटराज भी नहीं, स्वयं नटराज भी नहीं, स्वयं नटराज भी नहीं। मैं आपके साथ नृत्य की प्रतियोगिता करूंगा महादेव, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अपनी माया का उपयोग किए बिना मैं आपको पराजित करूंगा, और उपहार में मुझे आपको अपने सिर पर हाथ रखने देना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भोलेनाथ, आप तो अत्यंत ही भोले निकले, इतनी सरलता से मेरे पास में फंस गए। उचित कहा तुमने वक्रासुर,
उसका निर्णय प्रतिस्पर्धा के बाद होगा। कैलाश चलो, नृत्य प्रतियोगिता वहीं होगी। अवश्य महादेव। आज वक्रासुर का अंत लिखा जा चुका है, वो भी साक्षात महादेव के हाथों। कैसा अंत गुरुदेव? आपने सुना नहीं, उसके गुरु ने वर दिया है कि नृत्य में वक्रासुर को कोई नहीं हरा सकता। महादेव की मंशा वक्रासुर को हराने की है ही नहीं, और हार और जीत हम जैसों के लिए है, किंतु महादेव तो हार और जीत से परे है। वो तो केवल वक्रासुर को उसकी नियति के समीप पहुंचा रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। नृत्य प्रतियोगिता के लिए कैलाश से उचित स्थान हो ही नहीं सकता। अब मैं पार्वती के समक्ष आपको पराजित करूंगा महादेव। कैलाश का स्वामी बनूंगा मैं, और कैलाश की स्वामिनी को अपनी स्वामिनी बनाऊंगा, अपनी स्वामिनी बनाऊंगा, अपनी स्वामिनी बनाऊंगा। नहीं देवी, महादेव का मौन रहना देवी पार्वती के सम्मान पर वार है नारायण। वो उस वक्रासुर को दंडित क्यों नहीं कर देते नारायण? क्योंकि महादेव का जीवन, उनका निर्णय संसार के लिए एक संदेश होता है देवी। महादेव कहने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। वो संसार को शब्दों से नहीं, कर्मों से सीख देने में विश्वास रखते हैं। अब प्रतियोगिता आरंभ करें महादेव। महाकाल का काल बनने की मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अवश्य वक्रासुर। किसके विनाश का षटनाथ है? वक्रासुर के मूर्ख शंचूर को ऐसा लगता है कि वक्रासुर साक्षात महादेव को नृत्य प्रतियोगिता में हरा देगा, और जाने अनजाने में उसका प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। किसान फसल बोने में
कितना परिश्रम करता है ना, पहले भूमि को समतल करता है, फिर खुदाई करता है, बीज बोता है, प्रतिदिन जल से उसे सींचता है और अंत में उसे काटकर सुख की प्राप्ति करता है। हमारे कर्म भी उस फसल की भांति ही होते हैं जिन्हें हमें स्वयं काटना पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो।